हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो मेडिकल सिरिंज होती है, मेडिसिनल सिरिंज होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसका जो यूज़ है वो मेडिकल फील्ड में बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो इसके साथ अगर नॉन मेडिकल यूजेस के देखे जाएं तो ये मेन रूप से जो रिसर्चेस चलती हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग कई बार किया जाता है। आज हम लोग इसी के जो कुछ आज हम लोग इन्हीं सिरिंज के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिरिंज लेके आया हूँ और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर नीडल की बात करें तो सिरिंज की जो नीडल होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिरिंज की नीडल में बेसिकली नीडल जो कैप में आती है, तो इसको जो ऊपर से इसने कवरिंग की हुई है इसे कैप कहते हैं। फिर अगर इस कैप को निकालेंगे तो अंदर ये एक लोहे की शाफ्ट आती है, ठीक है। अब शाफ्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे ध्यान से, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये हल्का सा यहाँ पे तिरछा कटी हुई होती है, ठीक है। तो ये तिरछा कटा हुआ एरिया होता है इसे बेवल कहा जाता है। और जो अंदर का जो हॉलो होती है, ये अंदर से अंदर के जो हॉलो एरिया होता है उसे ल्यूमेन कहा जाता है। और ये जो लोहे का पूरा ऊपर से यहाँ तक आया हुआ है इसे शाफ्ट कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आया जाए तो इस एरिया को यहाँ पे नीडल हब कहा जाता है, जहाँ पे नीडल मिलती है। इसी के साथ ही साथ ये जो एरिया होता है, ये जो थोड़ा बड़ा पार्ट होता है जो सिरिंज में ऐसे सेट होता है, इसे एडेप्टर भी कहा जाता है। और जहाँ पे नीडल आके लगती है इसे नीडल हब कहा जाता है। और इसके ऊपर जो लगती है इसे कैप कहा जाता है। ये तो हो गया नीडल की बारे में। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए इस एरिया को अगर देखा जाए तो इसे प्लेन टिप कहते हैं। अच्छा, अभी के समय में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आईवी कैन्यूला में पीछे से जब वीगो लगा देते हैं तो पीछे से आजकल लॉक वाले आ जाते हैं जो हल्का से घुमा देते हैं और वो सेट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो एरिया यहाँ पे लगाता है उसे ल्यूर लॉक कहते हैं, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें पीछे से ये जो एरिया होता है, आप लोग ये देख सकते हैं ये ग्रीन एरिया और यहाँ पे कुछ ब्लैक एरिया है। तो इस टोटल जो पार्ट है इसको टोटल मिला के कहते हैं प्लंजर कहते हैं, ठीक है। अब इस प्लंजर की अगर बात की जाए तो इस प्लंजर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ये ब्लैक एरिया देख सकते हैं ये स्टॉपर होता है, ठीक है। और स्टॉपर का जो अपर लाइन होती है यहीं से जो होता है वो डोजेस की मात्रा डिसाइड की जाती है, तो इसे डोजेज लाइन ऑफ प्लंजर कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पीछे देखा जाए तो इसे थंब रेस्ट कहा जाता है और इस एरिया को पूरा प्लंजर कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसको इसमें रख देते हैं तो अब बीच में जो एरिया होता है ये जो एरिया है इसे कहते हैं बैरल, ठीक है। तब बैरल के बारे में अगर देखा जाए, जहाँ से जो डोजेज की मात्रा है वो डिसाइड की जाती है कि क्या कितना डोज लगना है कितना नहीं लगता है, तो इसको हम लोग कैलिब्रेशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो एरिया होता है ये इसे टॉप कॉलर कहा जाता है, ठीक, जिससे ये सिरिंज को पकड़ने में आसानी होती है, ठीक। ये हो गया जो सिरिंज के बारे में, जो सिरिंज के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मेडिकल दोस्तों के साथ। और वीडियो के साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच।